राधे राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद है आप लोगों को। मेरा बहुत सारा प्रेम है। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। 25 अक्टूबर 2022 की इस साल की सूर्य ग्रहण है, जो अमावस्या के दिन आ रहा है। ये सूर्य ग्रहण पूरे भारत में कई प्रांतों में दृश्य होगा। सभी प्रांत के अलग अलग समय हैं। मैं साधना बता देता हूँ, आप अपने शहर का समय देख करके उस हिसाब से साधना कर लीजिएगा। सूर्य ग्रहण में तीन पद्धति होता है, स्पर्श, मध्य और निवृत्ति। स्पर्श से पहले स्नान वगैरह कर लेना चाहिए, या स्पर्श लगने के बाद भी स्नान में कोई दिक्कत नहीं होता। उत्तम होता है कि पहले कर लें। अगर उस समय आप किसी कार्य में व्यस्त हैं, ऑफिस आदि में हैं, तो ध्यान रखें, स्पर्श होने से पहले शौच आदि कर लें, लघुशंका आदि कर लें, ताकि उस ग्रहण काल में आपको टॉयलेट वगैरह ना जाना पड़े। ये ध्यान रखें, शरीर को शुद्धि अवस्था में रखें। और ग्रहण में कोई भी विशेष प्रकार की यज्ञ इत्यादि का विधान नहीं है, वैदिक विधान नहीं है। तंत्र में यज्ञ करते हैं लोग, तो तंत्र यज्ञ में दीपक का ही प्रयोग होता है ग्रहण काल में। अगर आप चाहें तो दीपक जला सकते हैं। वह दीपक पश्चिम मुख दीपक होगा, क्योंकि सूर्यास्त का ग्रहण है। दीपक जला करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके अपना आसन पे बैठ जाइए। अगर आप आचमनी करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो भी ठीक है। ग्रहण काल में कोई भी मंत्र सिद्ध करना हो, तो जो मध्य अवस्था होता है, ग्रहण स्पर्श करता है, स्पर्श करके पूरे सूर्य या चंद्रमा को जब ढकता है, और ढकने के और कम होने से पहले की जो पीरियड है वो मध्य पीरियड होता है, मध्य समय होता है। मुख्य वो कुछ ही मिनटों का समय होता है जो सिद्धि देने वाला होता है। अन्य जो समय हैं वो सिर्फ दोष निवृत्ति मंत्र को जागृत करते हैं, लेकिन मंत्र की जो सिद्धि है वो मध्य में होता है। अगर आप चाहें गुरु मंत्र का जाप करें उस समय, अगर आप चाहें तो सावर मंत्र, हनुमान जी का मंत्र हमने बोला है यूट्यूब पे, वो जप करें, लक्ष्मी मंत्र का जप करें। एक ही मंत्र का जप करिए, ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिद्धि का काल है, ये मंत्र वो मंत्र ऐसे मंत्र वैसे, नहीं, गलत हो जाएगा फिर। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए जी, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए जी, सबके चक्कर में पड़ करके एक भी हाथ ना आए जी। तो एक की साधना, फिर ग्रहण आएगी कभी, फिर कर लीजिएगा दूसरे की, फिर ग्रहण आएगी फिर तीसरे की कर लीजिएगा। तो एक की साधना करिए। और ये सूर्य ग्रहण है, अगर आप रोजी रोटी धन दौलत आदि से परेशान हैं, तो लक्ष्मी मंत्र का अनुसंधान करिए। आपको मैंने बता दिया है, लक्ष्मी माई सत की सवाई, आओ चेतो करो भलाई, मेरी भलाई ना करो तो सात समुंदर की दुहाई, नवनाथ 84 सिद्धों की दुहाई, दुहाई गुरु जी की। अगर आप ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं, तो आप ओम नमो भगवते भास्कराय अस्माकं सर्वग्रहाणां पीड़ानाशनं कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का साधना करिए। अगर आप शत्रु से पीड़ा है या भूत प्रेत बाधा है, तो ओम नमः बजरंग बली, वज्र का कोटा, जहाँ हमारा पिंड वहीं हमारा पेटा, ईश्वर की कुंडी ब्रह्मा के ताले, मेरे घट के हनुमान महावीर रखवाले, जो फिरे हनुमान राम की दुहाई। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, तो अच्युतानंद गोविंदा नामोच्चारण भेषजात, नश्यन्ति सकला रोगाः, सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, तो धर्मो विवर्धते योधिष्ठिरकीर्तनेन,
पापं प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन शत्रुर्विनश्यति धनञ्जय कीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः धनंजयम धनंजयम। दूसरा हमारे वैष्णवों में जाके सुमिरन शेर पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी का नाम स्मरण करना चाहिए, शत्रुघ्न नहीं बोलना चाहिए, शत्रुहन शत्रुहन, जो शत्रुओं का हनन करने वाले। अगर आप कृपा प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं तो प्रार्थना करके, हे गुरुदेव, हे स्वामी, हे इष्ट देवता, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जनम जनम रति राम पद पद यह वरदान नान। ऐसा प्रार्थना करके गुरु मंत्र का जाप। इस प्रकार आपको अगर देवी कृपा प्राप्त करना है तो देवी मंत्र नवरात्रे में मैंने बताया था, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस प्रकार से आप एक मंत्र की साधना करिए। अगर आप विद्या के लिए सिद्धि चाहते हो तो सरस्वती माँ शारदे विद्या बुद्धि देहि में, इतना ही स्मरण कर लीजिए। और गुरु कृपा प्राप्ति करना हो, ओम गुं गुरुवे नमः। इस प्रकार आप सूर्य ग्रहण का पूर्ण आनंद लीजिए। इसमें विशेष जो बात है ध्यान रखने का वो सुनिए। जब सूतक लगे उससे पहले एक कटोरे में या किसी भी बर्तन में मटके में चावल निकाल के रख लीजिए। उस चावल को कपड़े से ढक दीजिए, जहाँ भी आप जाप करेंगे दिया जला लीजिए, कपड़े में चावल ढक के रख दीजिए, मटके में रहेगा कपड़े से ढक दीजिए। जब समाप्ति होने के बाद पुनः स्नान किया जाता है, पुनः स्नान करने के बाद अपना दोनों हाथ उस चावल में लगा दीजिए और जिस मंत्र का आपने जाप किया है अंदर हाथ दे करके इतना इतना उस मंत्र को 15 बार 20 बार उच्चारण कर लें, जितना हो 10 बार 15 बार 20 बार उच्चारण कर लें। और ऐसी धारणा करें कि आपके शरीर में दिव्य ऊर्जा प्रवेश कर रहा है और आप जो कार्य किए हैं उसकी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद उस चावल को किसी उसमें बांध के रख दीजिए। अब उस चावल को नदी में डालते हैं मछलियों के लिए, या किसी को ज़रूरत हो भोजन के लिए उसको भी दे सकते हैं। मछली को डालने से ग्रह शांति होता है, शरीर का रोग नष्ट होता है और गरीबी भी दूर होती है। उस चावल को आप चाहें तो थोड़ा उबाल करके पक्षियों को डाल दीजिए या पानी में भिगा के डाल दीजिए। उस चावल को आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत लाभ मिलता है। भगवान सूर्य का स्मरण करिए, आपको तेज देंगे, ओज देंगे और जो जिस सिद्धि कार्य के निमित्त आप साधना करेंगे आपको वो प्राप्त होगा। गुरुदेव की असीम कृपा है। ग्रहण समाप्त होने के बाद जिन लोगों ने दीपावली की पूजा करनी है, अमावस्या है उस दिन, दीपावली ऐसे 24 तारीख को ही मना रहे हैं परंतु अमावस्या 25 तारीख को है, जब पूर्ण अमावस्या होता है तभी ग्रहण लगता है। तो हमने दीपावली के पूजन में 23, 24, 25 बोला है, लेकिन हमारे आचार्य जनों ने ग्रहण के कारण सूतक लग जाता है इस कारण से 22, 23, 24 कर दिया है। छोटी दीपावली में ही बड़ी दीपावली का वो आ गया है। अमावस्या का अंश 24 में भी है परंतु पूर्ण अमावस्या 25 तारीख को है। तो जिन लोगों ने सिद्धि करना है लक्ष्मी जी का या दीपावली की सिद्धि, सूर्य ग्रहण के बाद स्नान करके आप दीप जला सकते हैं और उसमें अपनी सिद्धि की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। गुरुदेव की असीम कृपा है। आपका कोई भी प्रश्न होगा उत्तर देंगे हम। राधे 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 राधे, गुरु कृपा आशीर्वाद।